हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, ये द हिंदू का फ्रंट पेज में पढ़ा रहा हूँ। ये 23 अक्टूबर 2019 वेंसडे का है। देखते हैं किस बारे में है ये। गाइस, फ्रंट पेज में आप यहाँ से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एससी ग्रांट्स बेल टू चिदंबरम। अब ये जो आप हेडलाइन देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको अधिकतर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही दिखाई देने वाला है और इसका ज़्यादा ग्रामर से कोई लेना देना होता नहीं है। तो जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई दे, इसका मतलब कि ये सब हो चुका है, बस ये स्टाइल है। तो सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल, यानी कि उसने बेल ग्रांट कर दिया है, मंजूरी दे दी है टू चिदंबरम। अब देखते हैं आगे क्या है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे ग्रांटेड बेल टू फॉर्मर यूनियन फिनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम इन द केस रजिस्टर्ड बाय द CBI इन द INX मीडिया केस। यहाँ पे फुल स्टॉप आपको दिख रहा है। अब इतने बड़े सेंटेंस को हम कैसे तोड़े, तो देखते हैं। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूजडे, यहाँ पर ऑन से एक छोटा सा जोड़ दिया गया है, ऑन के बाद ये ट्यूजडे एक दिन का नाम लगा दिया है, तो ऐसे सेंटेंस को बड़ा करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान ना दें, यहाँ ध्यान दें कि द सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, मंजूरी दे दी बेल, बेल की मंजूरी दे दी है किसको, टू फॉर्मर यूनियन फिनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम। ये जो पी चिदम्बरम है, जो कि भूतपूर्व यूनियन फिनेंस मिनिस्टर है, तो इनको बेल ग्रांट कर दिया है इन द केस। किस मामले में, तो इन द केस। अब केस के बाद यहाँ आप देख रहे हैं रजिस्टर्ड बाय, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ये केस के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। कौन सा केस, जिसे रजिस्टर किया गया था By the CBI के द्वारा इन द INX मीडिया केस। INX मीडिया का जो केस चल रहा था, उसमें रजिस्टर किया गया था, तो उस सिलसिले में इनको बेल ग्रांट कर दिया गया है। क्लियर है? आगे देखिए। अ थ्री जज बेंच, यानी कि तीन जज ने ये फैसला सुनाया है, तो उसको थ्री जज बेंच कहते हैं। अब यहां लिखा है लेड बाई जस्टिस आर बानुमति। अब ये देख रहे हैं लेड बाय, ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल है। तो बताया जा रहा है कि जो थ्री जज बेंच है, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो लेड बाय जस्टिस आर बानुमति के द्वारा नेतृत्व किया गया, रिजेक्टेड द आर्गुमेंट। अब देख रहे हैं, मेन हमारा है कि थ्री जज बेंच रिजेक्टेड द आर्गुमेंट। यहां जो आप कॉमा देख रहे हैं ना, इस कॉमा के बाद लिख दिया है लेड बाय जस्टिस आर बानुमति और फिर यहां कॉमा है। तो इस तरीके से छोटे छोटे फ्रेज दे देते हैं, सेंटेंस बड़ा लगने लगता है। इसे हम बोलते हैं पार्टिसिपल फ्रेज, जो या तो आईएनजी से शुरू होगा या थर्ड फॉर्म से शुरू होगा। आईएनजी से शुरू होगा तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला पार्टिसिपल फ्रेज होगा, और थर्ड फॉर्म से शुरू होगा तो पास्ट पार्टिसिपल वाला वो पार्टिसिपल फ्रेज होगा, जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बगल वाले के बारे में देगा। ऐसे समझिएगा इसे। तो यहाँ तो क्लियर है। तो थ्री जज बेंच, जिनको नेतृत्व किया गया इनके द्वारा, आर बानुमति के द्वारा, उन्होंने क्या किया, रिजेक्टेड द आर्गुमेंट, उस बहस को रिजेक्ट कर दिया। किसके द्वारा बहस हुई, बाय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो ये जो सॉलिसिटर थे, ये जो वकील थे, इनके द्वारा बहस हुई, इनको रिजेक्ट कर दिया। दैट बहस क्या हुई थी, दैट दोज वे लोग, देख रहे दोज मतलब वे लोग, और फिर यहाँ पे है एक्यूज्ड इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अब ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल, वे लोग जो कि दोषी हैं। तो इतना बड़ा ना लिख करके शॉर्ट कर देते हैं। ये टेक्निक आपको सीखना है दोस्तों। दोज एक्यूज, जो कि दोषी हैं, किसमें, इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस, जो भी इकोनॉमिक से रिलेटेड जो जुर्म है उसमें जो दोषी हैं, शुड बी ट्रीटेड। ये शुड बी क्या है, पैसिव है, ये शुड का पैसिव है। उन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए एज अ फ्लाइट रिस्क। फ्लाइट रिस्क मतलब भाग सकते हैं, उड़ के दूसरे देश चले जाएंगे। एंड डिनाइड बेल, और इसी शुड बी से ये थर्ड फॉर्म लगा है कि शुड बी डिनाइड बेल, और उनके बेल को डिनाई कर देना चाहिए, मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। ये आर्गुमेंट रखा था किसने, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। और इस आर्गुमेंट को इस थ्री जज बेंच की जो है, जिनका नेतृत्व आर बानुमति ने किया, इनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ तो क्लियर समझ में आ रहा है गाइस। बस अब देखिए कि सेंटेंसेस कैसे दिए रहते हैं न्यूज़पेपर में, क्यों समझ में नहीं आते। आगे देखते हैं। There is, however, देखिए बीच में however डाल दिया, यही तो स्टाइल है। There is के बाद यहाँ no होना चाहिए, कि there is no chance, कोई chance नहीं है। और यहाँ however का मतलब है कि किसी भी तरह, इतना होने के बाद भी there is no chance, कोई chance नहीं है of his walking free। किसका chance नहीं है, his walking,
उनके वॉकिंग फ्री का मतलब है आजादी से चले जाना, मुक्त हो जाना, वॉकिंग फ्री का चांस नहीं है एज ऑफ नाउ अब तक, बिकॉज क्योंकि द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जिसको ईडी भी कहते हैं हैज ऑलरेडी टेकन हिम इनटू इट्स कस्टडी, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये जो ईडी है इसने ले लिया है, हैज टेकन हिम इनटू इट्स कस्टडी, अपने कस्टडी में, इट्स क्यों आया, क्योंकि ईडी है तो ईडी के लिए इट्स आया है, अगर यहाँ कोई मर्द होता तो हिज आता, फीमेल होती तो हर आता, इट्स कस्टडी इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस, इस केस में रिलेटेड टू द INX मीडिया स्कैम, जो भी INX मीडिया के घोटाले से जो रिलेटेड जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है उस सिलसिले में ईडी ने इनको हिरासत में ले रखा है, कस्टडी में ले रखा है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना ऑफ हिज वॉकिंग, इस तरह से मैं आपको कुछ समझाता हूँ गाइस, देखिए जैसे यहाँ है माई, माई के बाद आप एक जीरंड लगा सकते हैं, और सिर्फ माई ही नहीं, माई योर हिज हर आवर देयर ऐसे करके, और यहाँ पर आप एक जीरंड लगाएंगे। अब जीरंड का मतलब क्या होता है कि जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि योर और मैं एक जीरंड लगाता हूँ सिंगिंग, तो योर सिंगिंग का मतलब है तुम्हारा गाना, सिंगिंग का मतलब कि तुम्हारा जो गाने की जो प्रक्रिया है, योर सिंगिंग। अगर मैं बोलूँ हिज डांसिंग, एक्शन में आईएनजी लगाइए। अगर मैं बोलूँ कि आवर आवर वर्किंग हेयर, हमारा यहाँ काम करना, हर टॉकिंग टू यू, हर टॉकिंग टू यू, उसका तुमसे बात करना, देख रहे जिरंड। अब इससे आप सेंटेंस लगा सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है योर टॉकिंग टू हर, देख रहे हो, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं है योर टॉकिंग टू हर, तुम्हारा उससे बात करना, कितना प्यारा है ना। तो इसको आप ये जो मैंने बताया ना माई योर हिज हर आवर देयर के बाद आप जीरन लगा सकते हो, तुम्हारा खाना पकाना योर कुकिंग फूड, तुम्हारा इस कमरे में सोना योर स्लीपिंग इन दिस रूम, वो सेंटेंस बना दीजिए कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, आई डोंट लाइक तुम्हारा इस कमरे में सोना योर स्लीपिंग इन दिस रूम, तो है ना बेहतरीन। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया है। अब लिखा है कि जस्टिस बानुमती डिसमिस्ड, पास्ट इंडेफिनिट है, तो जस्टिस बानुमती जो है उन्होंने डिसमिस कर दिया मिस्टर मेहताज सबमिशन, मिस्टर मेहता ने जो भी सबमिट किया था उसको, उस सबमिशन को डिसमिस कर दिया, दैट वो ये है कि फ्लाइट रिस्क ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, जितने भी इकोनॉमिक वाले जो ऑफेंडर्स है जिन्होंने जुर्म किया है उनका एक फ्लाइट रिस्क है, क्यों भैया यहाँ से भागेंगे तो विदेश चले जाएंगे वापस नहीं आएंगे, वाज अ नेशनल फिनोमिनन, ये एक राष्ट्रीय एक घटना है, ये कहा था मिस्टर मेहता ने। तो अब है यहाँ आगे देखिए, जनरलाइजेशंस दैट ऑल द इकोनॉमिक ऑफ ऑफेंडर्स वुड एब्सकॉन्ड, अब ये उन्होंने जनरलाइजेशन कर दिया कि जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स है जिन्होंने जुर्म किया है वुड एब्सकॉन्ड, उनकी संभावना है भागने की, वुड एब्सकॉन्ड वो भाग सकते हैं, यहाँ वुड का मतलब है कि संभावना है, एब्सकॉन्ड एंड एंड गो अब्रोड, गो के साथ कोई टू नहीं आएगा अगर अब्रोड आ जाए तो, कभी ऐसा नहीं होगा कि गोइंग टू अब्रोड या वेंट टू अब्रोड, ये गो अब्रोड होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उनकी वही संभावना है कि वो भाग सकते हैं, विदेश जा सकते हैं, कुड नॉट बी फॉर्मुलेटेड, तो इनकी ये जो बातें थी जो जनरलाइजेशन था कुड नॉट बी फॉर्मुलेटेड, तो इसको उस फॉर्मूला के रूप में नहीं ले गया, ये वो फॉर्मूला काम नहीं किया टू डिनाई बेल, कि जिसकी वजह से बेल मना हो जाए, टू अ पर्सन, ऐसे व्यक्ति का बेल हु वाज अदरवाइज एलिजिबल, हु वाज, यहाँ हु रिलेटिव प्रोनाउन है, जो वाज अदरवाइज एलिजिबल, जो दूसरे तरीके से एलिजिबल है, योग्य था फॉर हिज फ्रीडम, अपने फ्रीडम के लिए दूसरे तरीके से योग्य था, तो इस बात से उसके बेल को डिनाई कर देना कि भैया ये तो भाग सकता है, कि जितने भी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं वो भाग जाते हैं विदेश वापस नहीं आते हैं, तो ये कुड नॉट बी फॉर्मुलेटेड, ये नहीं किया जा सका फॉर्मुलेट। अब देखिए जस्टिस बानुमती हु ऑथर्ड द जजमेंट, तो इस अब यहाँ पर देख रहे हैं
जस्टिस भानुमति, अब यहां पर लिखा है हु ऑथर्ड द जजमेंट रीजंड। अब इस सेंटेंस को आप समझ पा रहे हैं कैसे है ये, भानुमति के बाद यहां कॉमा है और कॉमा के बाद यहां पर लिखा है हु ऑथर्ड द जजमेंट और फिर यहां कॉमा है, यानी कि ये आपका एक क्लॉज हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से है। अब ये एडजेक्टिव क्लॉज एक इंफॉर्मेशन दे रहा है भानुमति के बारे में कि हु ऑथर्ड द जजमेंट, जिन्होंने जजमेंट लिखा, रीजंड। अभी रीजंड कहां से है, यहां से है, जस्टिस भानुमति रीजंड, उन्होंने तर्क दिया, रीजन दिया, कारण बताया, और एक एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी कि कौन है भानुमति, जिन्होंने ये ऑर्डर, मतलब ये जो जजमेंट है उसको ऑथर किया, उसको लिखा। कई बार आपको दिखाई देगा, जैसे यहां पर हु आप देखने गाइस, यहां आपको कॉमा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां भी तो हु है, यहां आपको कॉमा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मैंने अब तक वीडियो तो नहीं बनाया, बट आपको जानना पड़ेगा, एक होता है डिफाइनिंग, एक होता है नॉन डिफाइनिंग, जो रिलेटिव जो प्रोनाउंस है आपके, तो ये थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ आपको। कैसे, देखिए कैसे समझाता हूँ। एक होता है डिफाइनिंग, द बॉय, और यहां मैं कर दू द बॉय हु वॉज टॉकिंग टू यू डाइड, मर गया। तो अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे लिख दू कि द बॉय डाइड, तो पता नहीं चल रहा कौन सा लड़का मरा। इस बॉय को डिफाइन करने के लिए कुछ चाहिए कि कौन है, तो ये जो है कि हु वॉज टॉकिंग टू यू, वो लड़का जो तुमसे बात कर रहा था वो मर गया। तो अगर एक अधूरा सा लगे, ऐसा लगे नहीं यार उस लड़के को कुछ तो उसके बारे में कहो, कुछ तो डिफाइन करो, कुछ तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दो, तो आपने यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन लगाया और एक पूरा सेंटेंस लिख दिया। इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। तो ये आपका डिफाइनिंग होता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ पर कॉमा दिखाई आपको नहीं देगा। तो जब आपको न्यूज़पेपर में हु दिखाई दे तो कई बार कॉमा दिखाई देगा, कई बार कॉमा नहीं दिखाई देगा। तो जब कॉमा ना दिखाई दे वो डिफाइनिंग है, और डिफाइनिंग का मतलब है कि भैया इसके बगैर इसका कोई गुजारा नहीं, ये तो चाहिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो दो, नहीं तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे कि हुआ क्या। एक होता है नॉन डिफाइनिंग, जैसे कि बोलूँ कि राम गेव हिम 1000 रुपीज़। ये मेरा एक सेंटेंस है, अभी पूरा क्लियर है कि राम गेव हिम 1000 रुपीज़, राम ने उसे 1000 रुपये दिए। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि राम, और यहाँ एक कॉमा लगा दूँ और यहाँ कर दूँ राम हु टीचेस इन अ स्कूल, और एक कॉमा फिर कर दूँ गेव हिम 1000 रुपीज़। तो यहाँ अगर ये क्लियर है कि राम ने उसे 1000 रुपये दिए, मैं अलग से ये बोलूँ ना बोलूँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो फिर आपको यहाँ पर एक कॉमा दिखाई देगा। तो इस कॉमा के बाद जो आपको हु दिखाई देगा ये नॉन डिफाइनिंग है, नॉन डिफाइनिंग यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसके बगैर भी काम चल सकता था, हमने अपनी तरफ से एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, गो अब्रोड कुड नॉट बी फॉर्मुलेटेड टू डिनाई बेल टू अ पर्सन हु वॉज अदरवाइज एलिजिबल, कि ऐसा व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे तरीके से एलिजिबल था। यहाँ हु के बाद कोई कॉमा देख रहे, हु से पहले कोई कॉमा नहीं है, ये डिफाइनिंग है, क्योंकि इसको ये बताना जरूरी था कि कौन सा व्यक्ति, वो व्यक्ति जो कि अदरवाइज एलिजिबल था। लेकिन आपको एक और जगह दिखाई देगा जहाँ पर हु के बाद कॉमा है, देखिए हु से पहले कॉमा है, जस्टिस भानुमति, यहाँ है हु ऑथर्ड द जजमेंट, कॉमा देख रहे हैं, यहाँ भी कॉमा है और यहाँ भी कॉमा है, रीजंड। तो अगर सिर्फ यहाँ पे रहता है कि जो भानुमति हैं, जस्टिस भानुमति रीजंड, उन्होंने अपने तर्क दिए, तभी क्लियर था। अब भानुमति कौन, भानुमति तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ज़रूरत नहीं थी, दे दिया तो ठीक है। तो जहाँ पर ज़्यादा ऐसा ना लगे कि ये नहीं देते तो काम चलता ही नहीं, तो ये नॉन डिफाइनिंग है, ये एक्स्ट्रा है, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन जहाँ पर भैया देना ही देना है, तो वहाँ आपको कॉमा दिखाई नहीं देगा,
मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा तो आपको खास समझ में आएगा। और ऐसे भी आप सर्च कर सकते हैं डिफाइनिंग या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज करके आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं गाइस। देखिए द अपीलेंट यानी कि जिसने अपील किया चिदंबरम इज इन कस्टडी, वो कस्टडी में है फ्रॉम 21/8/2019 फॉर अबाउट 2 months, 2 महीने से वो कस्टडी में है। द को एक्यूज्ड वर ऑलरेडी ग्रांटेड बेल, को एक्यूज्ड जो उनके साथ के और भी जो आरोपी थे वर, ये पास्ट डेफिनेट का पैसिव है, उनको ग्रांट कर दिया गया बेल जो है वो मंजूरी दे दी गई, बेल हो गया। द अपीलेंट इज सेट टू बी एज्ड, ऐसा कहा जाता है कि सेट टू बी, अभी सिखाऊंगा मैं आपको अपीलेंट के बारे में, ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो उम्र है 74 इयर्स है एंड इज आल्सो सेट टू बी सफरिंग, और ऐसा कहा जाता है कि वो सफर कर रहे हैं, परेशान है किस चीज से, सफरिंग फ्रॉम एज रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम, एज से रिलेटेड जो हेल्थ इशू होते हैं बुढ़ापे में जो होते हैं उनसे वो सफर कर रहे हैं। कंसिडरिंग द एवव फैक्टर्स एंड द फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसेस ऑफ द केस, या कॉमा है, वी आर ऑफ द व्यू दैट द अपीलेंट इज एंटाइटल्ड टू बी ग्रांटेड बेल द कोर्ट ऑर्डर्ड। देखिए आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल वगैरह जरूर पढ़ा होगा दोस्तों, आपको साफ यहाँ दिखाई दे रहा है कंसिडरिंग द एवव फैक्टर्स, यानी कि ऊपर जितने भी फैक्टर्स दिए गए हैं उनको कंसीडर करते हुए, उन पर विचार करते हुए, एंड द फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसेस, सारे तथ्यों पर परिस्थितियों पर विचार करते हुए, ऑफ द केस, केस के, वी आर ऑफ द व्यू, ऑफ द व्यू का मतलब होता है ओपिनियन, हमारा ये ओपिनियन है। तो ये कंसीडरिंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एक ही बंदे के लिए जब एक ही बंदा दो काम करे, वो कंसीडर भी कर रहा है और ओपिनियन भी दे रहा है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वी आर ऑफ द व्यू, हमारा ये ओपिनियन है दैट द एपिलेंट इज एंटाइटल्ड, एपिलेंट को हक है, एंटाइटल का मतलब उसे हक है टू बी ग्रांटेड बेल, कि ये पैसिव है कि उसे बेल दिया जाए, द कोर्ट ऑर्डर्ड, ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ सेड टू बी, एंटाइटल्ड टू, और थोड़ा सा पार्टिसिपल भी हो जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल सीखेगा इस। देखिए सेड to be, अगर मैं कहूं कि he is said to be, अब यहां to be हो गया, to be के बाद मैं लिखूं he said to be a thief, अब इसका क्या मतलब है, he is said to be a thief, इसका मतलब है कि it is said, ऐसा कहा जाता है that He is a thief. ऐसा कहा जाता है कि वह एक चोर है। तो कभी भी अगर आपको ऐसे बोलना हो, कोई बंदा है उसके बारे में हमें कहना है कि ऐसा कहा जाता है कि ये चोर है, ऐसा कहा जाता है कि ये एक इंजीनियर है, ऐसा कहा जाता है कि ये एक डॉक्टर है, तो आप सिंपल इट इज सेड से भी कह सकते हैं और डायरेक्ट आप ही इज सेड टू बी से भी कह सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस तो हैं यहाँ पर बोलने के लिए, तो इट इज सेड हो या ही इज सेड टू बी। तो उसी तरह आप इसमें आईएनजी भी लगा सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ही इज सेड टू बी वर्किंग हार्ड। तो देख रहे हैं बी के बाद यहां आईएनजी आ गया ना, इसका मतलब वो कर रहा है, ऐसा कहा जाता है कि वो मेहनत कर रहा है, और नहीं तो इट इज सेड दैट ही इज वर्किंग हार्ड, आप ऐसे भी कह सकते हैं It is said that he is working hard. आपके पास दो methods हैं working hard. तो ऐसी है कि he is said to be suffering from फलाना फलाना बीमारी, तो he is said to be suffering, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि वो सफर कर रहा है, ये होता है आपका said to be. इसके बाद है entitled to. Entitled to, इसका मतलब होता है कि किसी को कोई राइट है, एक हक है, तो नॉर्मल एक सेंटेंस में समझ जाएंगे इसे, ही इज एंटाइटल्ड टू, एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट, यानी कि उसको हक है बेनिफिट लेने का, ही इज एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट, बेनिफिट लेने का उसको हक है, आप ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद इसमें है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि सबसे पहले आईएनजी से शुरू था, तो इसमें कई बार ऐसा होता है आप देखेंगे
कि आपने देखा कि ओपनिंग ओपनिंग द डोर, यहां पर लिखा है कॉमा, आई ओपनिंग द डोर आई सॉ हिम इनसाइड, दरवाजा खोलते ही मैंने उसे अंदर देखा। तो ये जो है ओपनिंग द डोर, आई सॉ हिम इनसाइड, ये दरवाजा किसने खोला? इस आई ने ही दरवाजा खोला और आई ने ही किसी को अंदर देखा। तो एक ही बंदे ने दो काम किया, दरवाजा खोलने का काम भी किया और किसी को देखने का काम भी किया। तो इसलिए जब एक ही समय में दो काम हो, बिल्कुल हल्का सा गैप हो, खोला और देखा, तो ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं कि दो बार यहां पर सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, एक ही सब्जेक्ट लिखेंगे, एक को ऐसे दिखाएंगे आईएनजी से। तो ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है। यूं समझ लीजिए कि आई ओपनिंग द डोर, यानी कि इस आई के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने लगता है कि ये इस आई ने किसी को देखा, ये वही आई है जो कि दरवाजा भी इसी ने खोला। तो एक तरीके से मॉडिफाई करता है, इसलिए पार्टिसिपल को एडजेक्टिव कहा जाता है। तो इसलिए वहां पर कंसिडरिंग लिखा हुआ था, तो आईएनजी से शुरू होता है। जैसे सीइंग द लॉयन आई रैन अवे, शेर को देखकर मैं भाग गया। या सीइंग द पुलिस, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखकर द थीप रैन अवे, चोर भाग गया। यानी कि चोर नहीं पुलिस को देखा, चोर ही भाग गया। तो ऐसे होता है गाइस। आगे देखते हैं, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा मिस्टर चिदम्बरम शुड बी रिलीज, ये आपका शुड का पैसिव है कि उन्हें रिलीज कर दिया जाना चाहिए, इफ ही वॉज नॉट रिक्वायर्ड इन एनी अदर केस, अगर उनकी किसी और केस में रिक्वायरमेंट ना हो तो। ये कंडीशन है, इसलिए वॉज लगाया गया है कि अगर ऐसा ना हो तो उन्हें रिलीज कर दिया जाना चाहिए। ही हैड टू एग्जीक्यूट बेल बॉन्ड्स फॉर 1 लाख, हैड टू होता है कि उसे उन्हें ऐसा करना पड़ा। तो उन्हें क्या करना पड़ा, मतलब 1 लाख का जो बेल बॉन्ड होता है उसे भी उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ा, मतलब उसे देना पड़ा, 1 लाख रुपए खर्च करने पड़े उसके लिए एग्जीक्यूट। अब इसकी हिंदी क्या समझाओ एग्जीक्यूट की। अब देखिए, ही शुड सरेंडर हिज पासपोर्ट, अब यहां है उन्हें क्या क्या करना चाहिए। ही शुड सरेंडर हिज पासपोर्ट, अपने पासपोर्ट को सरेंडर कर देना चाहिए, इफ नॉट ऑलरेडी डन, अगर पहले से ही नहीं हुआ पड़ा है तो, इफ नॉट ऑलरेडी डन। एंड सीक, इसी शुड से सीक आ गया कि उन्हें क्या करना चाहिए, सीक करना चाहिए, मांग करनी चाहिए द परमिशन ऑफ द स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट से परमिशन लेनी चाहिए वेन एवर ही वॉन्टेड टू गो अब्रोड, जब भी उनकी इच्छा हो अब्रोड जाने की तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। द बेंच विच ऑल्सो कंप्राइज जस्टिस ए एस बोपाना एंड एच ऋषिकेश रॉय डिसमिस्ड मिस्टर मेहताज कंटेंशन दैट मिस्टर चिदम्बरम हैज द वेयर विदल टू फ्ली द कंट्री एंड ही रिमेन्स अ फ्लाइट रिस्क। कितना बड़ा सेंटेंस है देखिए, द बेंच, अब यहाँ बेंच है और फिर ये देखिए कॉमा है, यहाँ विच दे दिया है, तो यानी कि ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो देख रहे हैं ये वही है आपका, नॉन डिफाइनिंग है, इसकी जरूरत नहीं थी। कहने का मतलब है कि बेंच ने क्या कर दिया है, द बेंच डिसमिस्ड, बेंच ने डिसमिस कर दिया मिस्टर मेहता के कंटेंशन को। मिस्टर मेहता जो सॉलिसिटर सॉलिसिटर है जिन्होंने अपना तर्क दिया था, तो बेंच ने उनके तर्क को एकदम डिसमिस कर दिया है। क्या तर्क था, दैट मिस्टर चिदम्बरम हैज द वेयर विदल, वेयर विदल मतलब साधन है मिस्टर चिदम्बरम के पास टू फ्ली द कंट्री, कि देश से भाग सकते हैं, एंड ही रिमेन्स अ फ्लाइट रिस्क, वो एक फ्लाइट रिस्क है। अब यहाँ पर बेंच के बाद एक कॉमा लगाया और एक क्लॉज दे दिया, विच ऑल्सो कंप्राइज जस्टिस ए एस बोपाना एंड एच ऋषिकेश रॉय। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इधर भी कॉमा, ये नॉन डिफाइनिंग आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव क्लॉज है, इसकी जरूरत नहीं थी, ये जानबूझ के एक एक्स्ट्रा दे दिया है, नहीं भी देते तो चलता, तो इसलिए नॉन डिफाइनिंग है। अगर डिफाइनिंग होता तो यहाँ कॉमा नहीं होता। डिफाइनिंग का मतलब कि भाई चाहिए ही चाहिए, कुछ तो दिखाओ, और नॉन डिफाइनिंग का मतलब कि नहीं चाहिए फिर भी आप एक्स्ट्रा दे रहे होते, दे दो। अब देखिए, ऑन दिस, इस पर द कोर्ट पॉइंटेड आउट दैट द FIR इन द केस वॉज रजिस्टर्ड ऑन May 15, 2017। अब कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया इस पर कि जो FIR है इन द केस, इस मामले में रजिस्टर किया गया था वो 15 मई 2017 को। अब देखिए, द दिल्ली हाई कोर्ट हैड गिवन, पास्ट परफेक्ट है ये, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था मिस्टर चिदम्बरम को इंटरिम प्रोटेक्शन, इंटरिम का मतलब होता है काम चलाओ, कम समय के लिए प्रोटेक्शन दिया था, विच लास्टेड फ्रॉम May 31 लास्ट ईयर टू August 20, 2019, जो कि 20 अगस्त तक अंत हो गया उसका।
मतलब 31 से लेकर 20 अगस्त तक खत्म हो गया। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान मिस्टर चिदम्बरम हैड नॉट वंस अप्लाइड टू गो अब्रॉड। अब कोर्ट ने कहा कि जो भी उनको समय मिला था उसमें तो कभी उन्होंने अब्रॉड जाने के लिए अप्लाई किया ही नहीं। द कोर्ट फाउंड मेरिट इन मिस्टर चिदम्बरम्स आर्गूमेंट, कोर्ट को उनमें कुछ अच्छी बात लगी उनके आर्गूमेंट में, दैट ही हैज़ नो इंटेंशन टू फ्ली, कि कोई भागने का उनका जो मन है, इंटेंशन, इरादा नहीं है। ही इंटेंड्स टू फाइट द केस, ही इंटेंड्स टू, उनका इरादा है केस को फाइट करने का। तो ये टोटल है। अब इसमें जैसे इंटेंड टू है, हैड टू दिया हुआ है, तो छोटे छोटे आइटम है, मैं वैसे सिखा देता हूँ, जो लोग नए लोग हैं नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। शुड बी का पैसिव है, देख लीजिए गाइस, जो बिगिनर्स है वो तो देख ही ले। सबसे पहले तो याद रखिए, जो आपको हैड टू आपको दिखाई अगर दे कभी भी, तो हैड टू का मतलब क्या होता है, इसके दो मतलब होते हैं। या तो कोई भी काम आपको करना था, जैसे आपने बोला आप यहाँ पर हो और आप कह रहे हो यार कल मुझे पार्क जाना था, तो कल आपको जाना था, यानी कि आपने प्लान पहले से बना के रखा होगा। तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि यस्टरडे, कल मुझे पार्क जाना था, आई हैड टू गो टू पार्क। तो आपको पास्ट में कोई काम करना था, आपकी पहले से प्लानिंग थी, तो भी हैड टू होता है। और हैड टू का एक और इस्तेमाल होता है कि कोई काम आपको करना पड़ा, ना चाहते हुए भी करना पड़ा। जैसे आप बोलो यार मुझे खाना पकाना पड़ा, तो कैसे कहोगे, आई हैड टू कुक फूड, यानी कि आप नहीं चाहते थे फिर भी आपको करना पड़ा। तो एक मजबूरी को दिखाता है, एक प्लानिंग को दिखाता है, तो ये आपका हैड टू हो गया। इसके अलावा और देखते हैं, एक होता है इंटेंड टू, इसका मतलब होता है कि किसी भी काम को करने का आपका इरादा है, इंटेंडेड करेंगे तो इरादा था हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि आई इंटेंड टू किल हिम, मेरा इरादा उसे जान से मारने का है, या शी इंटेंड्स टू हर्ट मी, उसका इरादा मुझे चोट पहुंचाने का है, यह होता है। उसके बाद आपको एक दिखाई देता है कि शुड बी के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है, यह आपका पैसिव है। जैसे बोलूं कि यह कमरा साफ हो जाना चाहिए, तो हम कहेंगे कि दिस रूम शुड बी क्लीन्ड, किसके द्वारा, क्या, कुछ भी नहीं दिया, बस साफ हो जाना चाहिए, वह लड़का पिट जाना चाहिए, दैट बॉय शुड बी बीटन, हो गया। तो अब गाइस जब भी आप कोई फ्रंट पेज पढ़े या कोई भी आर्टिकल पढ़े, तो आपको टेंस, पैसिव और जो हैव टू, हैज टू, हैड टू, नीड टू, अबाउट टू, विल बी एबल टू, कितने सारे ये टू होते हैं ना, ये आपको जरूर आना चाहिए दोस्तों। और भी थोड़े एडवांस स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिर वोकैबुलरी, जब ये सब आ जाए तो आप किसी भी आर्टिकल को समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज़।